अरे कानू जी देखिए क्या कमाल क्या सिखा दी। पहले मैं भलैया लेती हूँ। थैंक यू मास्टर जी। थिरकेड़ा था। कानू दा आपके कोनो जवाब नहीं के। नहीं हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम वहाँ आके करेंगे। अच्छा रे। कि नृत्य भरल संगीत के हर करे सदा गुणगान, दुनिया में फैलल बाटे भोजपुरिया हिंदुस्तान, तो यह नाच नचैया मंच से सबके बाटे प्रणाम। और ये जो देखत नहीं आप लोग, जो चेंज आप लोग के याद आ गई हुई, कबो भगवान कृष्ण भी नारी बनके राधा जी के चूड़ी बेचे गई रहले, तो एक पुरुष में नारी हमेशा बसेले और एक नारी में पुरुष भी हमेशा बसेले, एकर आज बयान ई हमनी के नाच नचिया के मंच करत बटे। देखिए आप लोगों ने तो स्विच कर लिया, मेरा ऑल्टरनेट तो कोई हो ही नहीं सकता। आई एम द बेस्ट। अगर सीजन 2 हुआ तो मैं आपका ऑल्टरनेट बन हो ही नहीं सकता। सुधा जी साइज मैटर। तो जोरदार ताली से स्वागत हो के ए अदला बदली की। महामंच पर आज ये अदला बदली के भाव के पीछे होखे वाला बटे टॉप 3 के चुनाव। चारों जोड़ी के नाच के कसौटी पर कसल जाई और ओकरा में से सिर्फ 3 गो जोड़ी के मुकाबला में आगे बढ़े खातिर चुनल जाए। तो जैसन की रौरा लोग नजर आ रहल बटे आज सुधा जी और कानू जी के वेशभूषा बदलल बा, तो सबसे पहले जान जाओ कि ये बदलाव के पीछे के कारण का बटे और एकरा के सबसे बढ़िया सुधा जी बता सकेली। राउंडी कुछ ऐसा है कि अदला बदली है, तो कानू मास्टर मैं बन गई हूँ और ये बन गई हैं सुधा चंद्रन। नाची मयूरी। नाची मयूरी सुधा चंद्रन। क्या लग रही है, क्या लग रही है सुधा जी आप। हाय हाय। और एगो खास बात बतावल चाहतनी आप लोग से कि जॉन हमरे दाहिने तरफ एक कटघरा बनल बटे। एक कटघरा के कुछ मतलब बा, सबके अगर कोई से कोनो प्रॉब्लम होई तो जेकरा से प्रॉब्लम होई ओकरा के कटघरा में आवे के पड़ी और ओकरा संगे वही होई जो संविधान के अनुरूप होई। तो सबसे बड़का सपना पूरा करे के खातिर जौन उतावलापन जौन जुनून हरेक जोड़ी के अंदर भरल बटे, ओकर अग्नि परीक्षा आज फिर हुई। तो देखल जाओ कि अदला बदली के तहत चाचा चाची बन चुकल बटे एगो जोड़ी। कहीं इनका रंगीला मिजाज रहुआ लोग के अपन जाल में न उलझा ले। प्लीज वेलकम सौंसे भोजपुरिया नौजवानन के दिल के धड़कन सीमा सिंह और उनका संगी आरा के बाका चोरा जोनू सिंह। एक गांव की कहानी, चाचा को चढ़ी जवानी। हम सीधे चला तनी कानूदा के पास। सीमा हम का कहिल बिटवा, जब भी हम तोहर को देखते हैं ना वो क्या है ना, हम बहुत इमोशनल बा, रोने लगता हूँ। बहुत अच्छा तुम्हारा परफॉर्म रहा जुनू बेटा बेटी। वो तो मैं समझ गई हूँ कि सुधा जी ने तुम्हें अपना बेटा बनाया है, पर आधा तो तुम मेरे भी हो। भलैया तो नहीं लूँगी, नज़र ज़रूर उतार देता हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। थैंक यू सर। सीमा जी जोनू जी, आफ्टर आप लोगों ने डांस परफॉर्म बहुत अच्छा किया, कहीं कहीं आप लोगों का केमिस्ट्री थोड़ा मिल नहीं रहा था, जो सच्चाई है। मेहनत करिए, हम लोग और आपसे उम्मीदें रखते हैं कि आप लोगों का डांस अच्छा देखें। ठीक है, अच्छा किया दोनों ने, कोरियोग्राफी बहुत अच्छा था। किसने किया था? रिकी सर ने। वाओ, वेरी गुड रिकी जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। वेरी गुड सीमा, बहुत अच्छा था। और जोनू आपने बहुत अच्छा किया। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि और एनर्जी हो, और तुमको अचानक तुम अपनी असलियत पे कैसे आ गई सीमा, थोड़ा सा चल के दिखाओ मुझे सीमा जैसा।
सीमा ऐसा कभी चलती ही नहीं। ये रही सीमा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर्ब। थैंक यू सर। अब ई लोग के कटघरा में आवे के पड़ी, कहे कि जनता के कुछ आरोप ई लोगन पे लागल बाटी। तो हम जनता के आरोप तो हम लोग के देखावल चाहता नहीं, ओकरे पहले हम चाहते नहीं कि आप लोग कटघरा में खड़ा हो जाए। हम आपके दिखा रहा बनी कि इन लोगों पे का आरोप लगल बाटी। सो प्लीज वॉच। मुझे सीमा जी से बहुत डर लगता है। वो जब भी रिहर्सल करती हैं तो मुझे कभी हाथ दिखाती हैं, कभी लात दिखाती हैं, कभी मेरे बाल पकड़ के घुमा देती हैं। सीमा सिंह पर आरोप बा कि वो मंच पर आपन इतना दबंगई दिखैली जेकरा कारण इनकर जोड़ीदार जोनू के मजबूरन औरत बने के पड़ गई। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मस्ती कर रही थी, मुझे ऐसे ऐसे नहीं सर। जोनू के ई हालत पे का बा सीमा सिंह के सफाई। सीमा जी स्माइल प्लीज। हमेशा से मैम लड़कों की तरह बिहेव करती हैं और आप लोगों ने भी लड़का बोल बोल के फाइनली मुझे आज लड़की के कॉस्ट्यूम में आना ही पड़ गया स्टेज पे। मुझे लड़की बना ही दिया इन्होंने मार मार के। लेकिन अब मैं लड़की बन चुकी हूँ, मेरे अंदर लड़कियों वाली फीलिंग्स आ चुकी हैं। कहाँ आ चुकी है? पहले मैं ऐसे खड़ी रहती थी, अब मैं ऐसे खड़ी रहती हूँ। पहले मैं ऐसे खड़ी थी, अब मैं ऐसे। एकर सफाई आप लोग दे देनी और एकर फैसला न्यायमंडल करिए। लेकिन ओकरा से पहले एक और आरोप बाटे ये लोग पे जो ये लोग के प्रतिद्वंदी लोग करे वाला बाटे। मनोज जी मैं बोलना चाहती हूँ सीमा जी के, सीमा जी पर जो आरोप मेरे हिसाब से हैं। जब मैं शो में आई थी तो मैंने बहुत नाम सुन रखा था कि नहीं सीमा जी, मैंने उनकी फिल्में भी बहुत देखी हैं कि सीमा जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वह है अभी तक इतनी सारी फिल्मों में काम किया है, डांस किया है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ देखने को मिला नहीं है स्टेज पर। कई बार ऐसा हुआ है कि सीमा जी कमज़ोर पर जाती हैं और जोनू ही बहुत अच्छा डांस कर जाता है, तो मेरा आरोप ये है। जितनी भी बातें आपने मेरे लिए कहा है वो सब बातें आपके ऊपर लागू होती हैं। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, लेकिन दूसरों को बोलने से पहले आप अपने खुद को देख लो, क्योंकि मैं कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका अपना जो एक ऑलरेडी एक नेम और फेम बना हुआ था, आपने शायद आप वो स्टेज पर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। इंडस्ट्री में जो नाम बना है वो नाम कोई किसी का नहीं ले सकता है, सबकी अपनी अपनी एक जगह है और मेरी अपनी एक जगह है। मैं उसी जगह की बात कर रही हूँ। मैं इस मंच की बात बताना चाहूँगी कि ये मंच ऐसा है, पता नहीं यहाँ कब क्या हो जाए, लेकिन मैंने जितना भी किया है यहाँ मैंने अपना बेस्ट दिया है और मैंने सब अलग एक्ट किया। मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ कि जो भी परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पर किए हैं वो सब मेरे मैंने कभी नहीं किया था, मैंने फर्स्ट टाइम किया है वो सब चीज़ें, तो मैंने अपना बेस्ट दिया है। न्यायमंडल फैसला करे कि आरोप में कितना सच्चाई हुआ और सफाई में कितना दम हुआ। कहना चाहेंगे कि ठीक है आप उनके फ़ैन हैं, उनको उम्मीद रखते हैं जिससे माँ और अच्छा परफॉर्म देखना चाहिए, आपको ऐसा लगता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखना, तो इसमें सीमा की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि जैसी कोरियोग्राफी उसके ऊपर किया जाएगा वो ऐसे ही करेगी ना। कोरियोग्राफर का काम है कोरियोग्राफ करना, परफॉर्मेंस करना थोड़ी है। नहीं कोरियोग्राफर का काम हाँ, तो आर्टिस्ट का काम है कि अपना कोरियोग्राफर का 100% परफॉर्म करना। सीमा जी आप प्लीज आगे से और अच्छे करने की कोशिश करिए, ठीक है। हाँ। भोजपुरी दुनिया के सबका से बड़का डांसिंग जोड़ी बने खातिर हो रहल बाटे मार। आज फेरे मुकाबला एगो ऐतिहासिक मोड़ पर बाटे, कहे कि आज ही महामंच के मिल जाए टॉप 3। वहां जहां बह रहल बाटे डांस की पुरवैया और देख रहा बड़े हमने दुनिया का सब भोजपुरी रहवैया आँच नचैया धूम मचैया। नया जमाना के नया जलवा आजकल पुरुष स्त्री रूप अख्तियार करे पर मजबूर कर दे बाटे। एक समय रहे जब राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी अपने महाकाव्य साकेत में निकलन कि हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंख में पानी। हम अपन न्याय मंडल से कुछ विशेष टिप्पणी लेवे के चाहब कि आज के नारी में का खूबी बाटे और का खामी बाटे। कानू दादा मैं बहुत
खुश महसूस करती हूँ कि मैं औरत पैदा हुई हूँ और आज कंधे से कंधा मिलाकर मैं मर्द के साथ चल सकती हूँ। हमेशा यही कहते हैं कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज एक औरत होने के नाते मैं गर्व से एक साथ ये जरूर कह सकती हूँ कि हर औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। क्योंकि आज अगर हम सब कुछ कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक मर्द पिता के रूप में, एक भाई के रूप में या एक पति के रूप में हमें हमेशा सपोर्ट कर रहा है। नारी की सबसे बड़ी खूबी ये है, जन्म होता है तो नारी के पास से होता है, वो सबसे बड़ी खूबी है क्योंकि वो माँ है, माँ से बड़ी खूबी कुछ नहीं होती इस दुनिया में। नारी का तो जितनी तारीफ जितने बोलना कमी है, क्योंकि नारी जो है सबसे आगे है, लेकिन नारी वही आगे है जब एक पुरुष उनके साथ में है। तो हम सिर्फ यह जोड़ी लोगन के थोड़ा सा सामान्य करे कोशिश करत बनी, कहें कि आज आप लोग जोने मुकाम पे खड़ा बानी जा, एगो परफॉर्मेंस और एगो गलती। पिछले इतना लंबा सफर पे पानी फेर सकेला, सो गलती नहीं करे के हमनी के बदलल रूप में भी अदला बदली में भी परफॉर्मेंस बेस्ट होके के चाहिए। तो प्लीज वेलकम भोजपुरी सिनेमा के चर्चित हीरोइन अनारा गुप्ता और उनकर जोड़ीदार लखनऊ के निसार खान। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो 1 2 4 1 2 4। हजरीनो हजरात, आपके शहर में पहली बार नौटंकी मुकाबला में एक साथ हुस्न का जलवा बिखेरने आ रही हैं मशहूर मारूफ अदाकारा जम्मू की अनार कली और लखनऊ की निसारा बानो। चुनांचे पेश खिदमत है अनार कली के लटके और निसारा बानो के झटके। नसीरा बानो जी, और आपकी बहन है ना जी? का नाम? मेरी छोटी बहन अनारा। अच्छा अच्छा, बहुत प्यार से गले लगा रहे हैं आप उनको। छोटी है जी? अच्छा छोटी है जी जी। आप लोगों को मैं क्या बोलूं, मैं आप लोगों को कुछ बोलने से पहले मैं गणेश मास्टर जी को बोल देना चाहता हूं। बहुत अच्छा अनारा, जो तुमको मैंने कहा था वो एग्जैक्ट तुमने अभी किया। एग्जैक्ट मतलब तुमने पूरा अपना बॉडी को मतलब है ना, पूरा मतलब हाथ पांव से लेकर पूरा एनर्जी जो अंदर भड़ास थी तुमने बाहर निकाली। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और निसार, तुम सचमुच बहुत अच्छी लग रही हो। शी इज लुकिंग रसमलाई, रसगुल्ला। शुक्रिया अनारा। आज वाकई बेटा तेरा डांस देखे मैं बहुत खुश हूँ। आज बेटा तूने यूपी बिहार का लाज रखा बेटा, बहुत अच्छा लगा। अपने बेटे के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, तिरकिटा था। जैसे कि मैं पिछले हफ्ते में आपको बताई थी, देखा असर पड़ा कि नहीं जी? आपने क्या नाची है, और निसार तुम्हारे लिए अनारा जी और नसीरा जी आप लोग कटघरे में आ जाइए। और आप लोगों के ऊपर जनता के आरोप पट्टी। मेरी जिंदगी का एक सिद्धांत है, क्योंकि जहाँ हाथ डाला वहाँ फाट डाला। डर और इन लोगों से। अनारा निसार के जोड़ी हमेशा मंच पे डरावे वाला और धमकावे वाला बात बोले। अनारा और निसार जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ दूसरे कोई नजर नहीं आते। लखनऊ की तहजीब से बोलेंगे तो पहले आप हैं, और कंपटीशन की बात आएगी तो कंपटीशन में हम सबके बाप हैं। एक है जिसको दिल तो कर रहा है कि खीरा की तरह खा जाऊं। जनता जानल चाहत बा कि ई जोड़ी सबके काहे धमकावे ले। जे हमसे टकराई चूर चूर हो जाई।
हम कंपटीशन लेवल पे डरा रहे हैं, डांस में डरा रहे हैं, किसी के साथ हाथापाई नहीं कर रहे हैं। और ये कंपटीशन है, जब तक किसी को डराएंगे नहीं तो वो हमें डरा देंगे, और जैसे जो डरता है वो मर जाता है। एक्चुअली वो मेरा श्लोक है कि जब मैं खुद कहीं पे उतरता हूँ एज ए परफॉर्मर या कोई काम करता हूँ, तो मैंने इनके लिए नहीं है, वो मेरा खुद का है कि जहाँ मैं हाथ डालूंगा मैं वहाँ फाट डालूंगा। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एट टाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो। वो हमारे लिए गलत है ना, उससे आपको क्या इफेक्ट हो रहा है? मगर कभी कभी हम लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों को ज्यादा मार्क्स देता है। आप लोगों को जब मार्क्स मिलते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस की बात होती है, जब हमें मार्क्स मिलते हैं वो हमारी परफॉर्मेंस की बात होती है। आपकी ओवर कॉन्फिडेंस के लिए हमें मार्क्स ज्यादा या कम नहीं मिलता है। न्याय मंडल, ये आरोप में कितना दम बा और कागर सही होगी तेलो का दिन का सजा बा? सबसे पहले बात तो अनारा और निसार, पहले इस बात को समझो कि सामने वाला क्या बोल रहा है। मुझे, हम लोग को भी ये लगता था कि ओवर कॉन्फिडेंस है, कि कभी भी कोई इंसान कुछ करता है तो बोलता नहीं है, हाथ डाला तो फाड़ डाला, वो करके दिखाता है। जब फाड़ डाला ना उसके बाद चिल्लाता है कि हाँ यार मैंने फाड़ डाला। अभी तो बहुत मंजिल बाकी है, ये इसके बाद ये लास्ट फाइनल बाकी है, तब देखते कौन फाड़ता है क्या फाड़ता है। जी मास्टर। शुरू हो चुकल बटे मुकाबला में एक घमासान। आज के मुकाबला के बाद बच जाई हैं अब सिर्फ टॉप 3 पेयर, और ओकरा में की जाई आज यहां से विदाई कक्ष में, वहां वो कार्यक्रम में जहां पर रहल बाटे डांस की पुरवैया, जेन देख रहल बाड़े दुनिया के सब भोजपुरी रहवैया, नाच नचैया धूम मचैया। अगला जोड़ी ए एपिसोड में शुरू से मंद मंद कदम से बढ़त बढ़त आज एगो ऐसा निर्णायक मंच पे पहुंच गिल बाटे जहां ओकनी के कुछो कर सकेला सन। जोरदार ताली से स्वागत करिए स्मृति सिन्हा और उनके पार्टनर प्रदीप की। तक समझ में बा कि यहाँ के शकीरा के वेशभूषा में बानी, और शकीरा और स्मृति, स्मृति तोहरों के कहल जा सकेला कि स्मृति इज डांसिंग विद शकीरा। मास्टर जी कुछ ऐसे लगा तो लगा
मतलब प्रदीप क्या तुमने किया, उफ वो एक बार वापस बताओ ना पेट का तुम्हारा कुछ, पेट का वाला, ये वाला, ये फिर उसके बाद रुक के, अरे हाय, ओ माय गॉड, किरा से ज़्यादा अच्छा था क्योंकि उसके पास ऐसा पेट नहीं है ना। बहुत शॉकिंग है स्मृति, आप भी बहुत अच्छा किया प्रदीप, खास करके मैं तुम्हारे लिए एक बोलूँगा, तुम मेरे हमेशा फेवरेट एक डांसर हो, तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, वेरी गुड, सुपर, थैंक यू सर। इतने प्यारे नए नए मोमेंट इस गाने में देखने मिले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। और आपने बहुत अच्छा किया। प्रदीप जी का बारे में क्या बोलूँ, इनका बस चलो अपने नस बॉडी में नस नहीं होता, वो भी डांस को इनका करता है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। स्मृति और प्रदीप बहुत अच्छा नच लो, पर ये तारीफ मैं इधर से नहीं उधर आके करूँगा। प्रदीप तुम्हारे लिए मैं कहा कहूँ, क्रिकेट था, क्रिकेट था, क्रिकेट था। स्मृति मेरी बच्ची, कितना अच्छा डांस किया तुमने। सुधा जी आपको इनका डांस बहुत अच्छा लगा ना, तो यहाँ आके एक बार सुधा जी के अंदाज में डांस कीजिए ना। आप लोग बहुत मस्त डांस केला जा, लेकिन आप लोग कटघरा से नहीं बच सकेला जा, सो प्लीज कम इन कटघरा। स्मृति सिन्हा और प्रदीप के ऊपर जनता के आरोप बांटे ई। स्टार्ट ऐसा है तो एंड कैसा होगा? स्मृति सिन्हा इनकरा ऊपर आरोप बा कि ई अभिनेत्री आपन जोड़ीदार प्रदीप से इतना लिफ्ट कराईली कि प्रदीप के हालत खराब हो गई। मैडम के लिफ्ट करते करते लगा था कि हम ही कहीं एक दिन ना लिफ्ट हो जाएं। तुमने इतने सारे लिफ्टिंग और सब किए, वेरी गुड। जनता जाने के चाहत बा कि प्रदीप के हालत पे काबा स्मृति के सफाई। होएगा मटिया में। आपके लगत बड़े कि आप इनका के इतना तकलीफ देले बानी? नहीं, मैंने जानबूझकर कभी कुछ नहीं किया, लेकिन इनफैक्ट वो लिफ्ट्स करना मेरे लिए भी नई बात थी। जो हमारे कोरियोग्राफर्स हमें सिखाते थे हम वही करते थे। हमारे हिसाब से बहुत कॉमिक आरोप बाटे, लेकिन एक गंभीर आरोप जो ना से आप लोग के बचल बहुत मुश्किल बा, और वो आरोप आप लोग के साथी लोग लगा रहे बड़े। प्लीज, आप लोग डांस तो अच्छा करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप आज टॉप फोर में बैठे हैं तो आपके साथ आपका लक ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डांस? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा रही है अपने आप को, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डांस नहीं करूँगी तो मुझे ये स्टेज भी नहीं अपनाएगा। लक फैक्टर हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, मेरे साथ है तो आपके साथ भी है। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर जो इंसान मेहनत कर रहा है वही आगे बढ़ रहा है। सब कोई घबरा रहा बा आरोप लगावे से, लेकिन अबे निर्णायक मंडल बताई कि आरोप में कुछ दम बा। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए न्याय मंडल इस नतीजे पर पहुंचती है कि प्रदीप जी स्मृति को उठा के एक बार उसे पटका देना नीचे।
हम कुछ नहीं सुनते हैं। इतने दिन स्मृति ने उसको पटका के मारा है ना, तो हम मौका दे रहे कि प्रदीप एक बार उसको उठा के नीचे पटका दे। बस 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 बस, नीचे रखो। जो मचल बाटे घमासान एक ओह जगह जहां बह रहल बाटे डांस के पुरवैया, देख रहल बाड़े सौंसे भोजपुरिया रहवैया, नाच नचैया धूम मचैया। मुकाबला बहुत दुर्गम मोड़ पे पहुंच गेल बाटे, और याद रखें जैसे पिछला एपिसोड में लास्ट में सब लड़की लोग मिलके एक परफॉर्मेंस देलस और सबके इंडिविजुअली नंबर मिलल, वही आज भी दोहरावल जाए। चारों टीम के एक एक लड़का लोग एक परफॉर्मेंस करी और अपने अपने टीम के नंबर बढ़ा या घटा सकेला। हम सीधे चल रहल बानी आज के एपिसोड में बुलावे अगला जोड़ी के, ब्यूटी क्वीन रिंकू घोष और उनकर पार्टनर खाली है शो खातिर मदन मोहन। तकदीर बनती है तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली, चिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, लब पे तुम्हारे आंखों में आंसू दे और झोले खाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में, तुझे सब मानते हैं तेरा घर जानते हैं, चले आते हैं दौड़े जो खुशकिस्मत है थोड़े, ये हर राही की मंजिल ये हर कश्ती का साहिल, जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला, तू पिछड़ों को मिलाए तुझे दीपक एक बार प्रेम से बोलिए साई सरकार की जय। मास्टर जी ये गाना वो है कि ये गाना अगर कोई भी करेगा तो जिंदगी में कभी फेल होगा ही नहीं। दिस इज द राइट चॉइस टू डू दिस सॉन्ग, और बहुत अच्छा किया मदन। मुझे तुम्हारे अंदर वो हीरोज़म दिखा, वो डांस दिखा, वो पावर दिखा, वो जुनून दिखा, वो एनर्जी दिखा, वो सब दिखा। थैंक यू सर, वेरी गुड वेरी गुड। एंड लड़की को लड़का बन के ये गाना परफॉर्मेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है रिंकू, लेकिन तुमने पूरी कोशिश की,
वेरी गुड. थैंक यू मास्टर जी. गाना हमको बहुत अच्छा लगा बेटा. थैंक यू. जब भी आप लोग आते हो तो कुछ नया ही करते हो. इस बार भी आपने बहुत अच्छा किया. आपका ये डांस देख के मुझे, मेरा भी एक दोस्त था कि अपने कोरियोग्राफर्स को, स्पेशली इस आरोप के लिए मैं अपने कोरियोग्राफर्स को थैंकफुल थैंक यू कहना चाहती हूँ कि इस मंच में भी उन्होंने मुझे, मेरे ऊपर ऐसी कोरियोग्राफी की है या ऐसे सॉन्ग सिलेक्शन की है कि कभी मस्क कर ली तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ हो जाती हूँ. बहरहाल यह आरोप के हो सकेला कि लोग हल्के में उड़ा दे, और हल्के में उड़ावे लायक बा भी, जनता मजाक करतिया, लेकिन दूसरा आरोप बहुत गंभीर बाटे जो आपके पार्टिसिपेंट लोग लगा रहा बा. आपके स्टारडम के आगे मदन का व्यक्तित्व निकल कर नहीं आ पा रहा है. मतलब हमने ज़्यादातर यही देखा है कि आपके आगे वो बोल ही नहीं पाता है. सिर्फ इसका नेचर के बारे में बोलूँगी कि वैसे ही वो बहुत कम बोलता है. आगे तुम बोलो. तो मैं बहुत कम बोलता बस ऐसा कुछ हमें ऐसा लगता है कि रिंकू जी के आगे आप बोल नहीं पाते हैं. नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा चीज नहीं है, ये पक्का नहीं. एक काम करो, उतर के नीचे आओ जल्दी. हाँ आप दोनों उतर के नीचे आओ. रिंकू उधर ही खड़े रहो, मदन पीछे खड़ो. रिंकू के माइक लो, आगे आओ, अभी आगे आओ और बात करो. क्या बोलना चाहते तुम, बोलना. क्या नाम है तुम्हारा? मदन सर. उसको ही बोलो. लगा आप बोल रहे हो. आप आगे बात कर रहे हैं ना. हो गया सजा खत्म. चलो जोरदार तालियां. ये सजा बहुत प्यारी थी और इसके साथ ही आप लोग अपनी जगह पे जा सकते हैं. अब तक के परफॉर्मेंस देख कर रहुआ सबके समझ में आ गए लोही कि टॉप थ्री के चुनाव इतना आसान नहीं थे भाई. हर एक चोरी के दावेदारी फाइनल जीते के तरफ इशारा कर रहा बाटे. तो साथे बनल रही काहे कि बह रहा बा डांस के पुरवैया. देख रहा बाड़े सबे दुनिया के भोजपुरिया रहवैया. नाच नचैया धूम मचैया. आज के एपिसोड बहुत गंभीर मोड़ पर पहुँच गए बाटे और यह गंभीरता के बचावे खातिर बहुत मजबूती चाहिए. प्रदीप बाबू, इतना दिन से मुंबई में बाड़ा ऐसा सकीरानियन खचा खच, कबो कमर कबो पेट कबो का लचक जात बा. हाँ मनोज भैया, जब हम पटना से आयल रहनी यहाँ मुंबई में तो पटना के वातावरण और मुंबई के वातावरण में बहुत अंतर बा. तो तबीयत खराब ना हो जाए ओकरा मेंटेन करे खातिर हम. और अब ऐतिहासिक मुकाबला के सबसे बड़का खिताब खातिर अपन जोड़ी के दावेदारी जतावे आ रहा बड़े चारों जोड़ीदार एक साथ. जोरदार ताली से स्वागत करे के जोनू सिंह, निसार खान, मदन मोहन और प्रदीप बाबू की. सारा परफॉर्मेंस हो चुकल बाटे. हर जोड़ी अपन दावेदारी का दमदार तरीका से रख ले बाटे, लेकिन सिर्फ तीन गो ही जोड़ी के मौका देवल जाई अपन सबसे बड़का सपना के पूरा करे खातिर. ये बिल्कुल सच बा. तो कानू जी के रूप में बैठल सुधा जी के पास. चारों मेरे बच्चे जैसे हैं. जोनू तो मेरा बेटा है ही, लेकिन निसार, मदन, प्रदीप बहुत अच्छा कर लो. बस आप लोगों की बलैया मैं लेना चाहता हूँ. आप लोगों को हर नज़र से बचाए ऊपर वाला. ये बोलना मुश्किल हो रहा है कि कौन किससे अच्छा था. मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ हमेशा है बेटा. बहुत अच्छा करना जिंदगी में, बहुत ही अच्छा. इस कोरियोग्राफी के लिए सलूट. किसको ऊपर किसको नीचे, किसको आए किसको दाएं, कुछ समझ में नहीं आया. मैं इधर देख रही थी तो इधर चले जा रहा था, इधर देख रही तो उधर चले जा रही थी. मैं समझ नहीं पाया जी किसको क्या, लेकिन देना है तो देना है. लेकिन चारों के चारों बम्पर 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 बम्पर. अच्छा आज फर्स्ट टाइम चारों का हम दे था ही. मांग 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 आ दोनों हाथ से. बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस. चारों लड़कों के अंदर जो कॉम्पिटिशन का एक जुनून है, जो मतलब ऐसा है कि अभी तुम लोग के लिए ये मर मिटने वाली बात हो गई है, करो या तो मरो वाला किस्सा ये पूरे परफॉर्मेंस में दिख के आ रहा था. और याद रखना ये सिर्फ कंपटीशन है, सीढ़ी है फर्स्ट. ओके और बहुत सारी जिंदगी है, बहुत बहुत आगे. अभी तुम लोग कितने छोटे हो, तुम लोग को कहीं लड़ाई लड़नी है. टेक एज अ कॉम्पिटिशन, दैट्स ऑल. वेरी गुड.
तो हे हमरे भोजपुरी दुनिया के वो सब नृत्य प्रेमी लोग जे इंतजार करत होई कि भारत की एक बड़ी समृद्ध भाषा भोजपुरी और भोजपुरी इंडस्ट्री के जे डांसिंग जोड़ी बनी सबसे बढ़िया ओह तैयारी में टॉप थ्री के चुनाव बाटे। और संगे संगे एगो और बात बाटे, मनोज तिवारी के पास एगो परमाणु बम बा। तो ये सब कुछ देखते हुए ओह खिताब के पास जाए खातिर तीन जोड़ी किए जाई, एकर फैसला लेके हम आपके बीच में आ रहल बनी। वहाँ जहाँ बह रहल बाटे डांस के पुरवैया, देख रहल बड़े सारा भोजपुरी रवैया, नाच नचैया धूम मचैया। सब जोड़ी के नाच के कसौटी पर कसल जा चुकल बा। तो सबसे पहले हम न्याय मंडल से अब आग्रह करब कि ई फैसला बतावल जाए कि आज के वो बेमिसाल जोड़ी के बाटे जो पूरे वीक में सर्वश्रेष्ठ बा, जेकरा के अवार्ड दहल जाए परफेक्ट पार्टनर ऑफ द वीक। अच्छा धूमचैया परफेक्ट पार्टनर ऑफ द वीक जाता है सीमा जोनू। और आज के इस मोमेंट बाटे आपके सामने ए हंसी खुशी और अवार्ड के बीच में अबू समय आ गिल बाटे जब हम चारों जोड़ी से प्रार्थना करतनी कि आप लोग मंच पे आ जाएं जा। और अब घड़ी आ गिल बाटे मुकाबला के सबसे कठिन और सबसे कड़ा नियम निभाओ के, यानी आज के तीन जोड़ी के सिलेक्शन करे के। रिंकू, जब जब एलिमिनेशन भइल होई एकरा से पहले कभी ऐसे खड़ा भइल बाड़ू? नहीं, हाँ जी, पहली बार यहाँ हम खड़े हैं। सीमा, सेकंड या थर्ड टाइम है शायद। और अनारा, आप? सेकंड या थर्ड टाइम। स्मृति, तू? डेंजर जोन तो मेरा घर है। हम इतना बता सके नहीं कि आज क्या हुई मनोज भैया, लेकिन हमार मेहनत में सच्चाई बा और वही सच्चाई से हम अभी तक आगत बढ़त जात बनी, और ई वाला परफॉर्मेंस में भी सच्चाई रहल मेहनत के, तो हम जरूर आगे बढ़ब। सर, डर तो सबके लगा था, सब कोई जा खड़ा बा के जाए कि ना जाए कुछ पता नहीं के, लेकिन सब कोई अपन मेहनत कैला, समूह मेहनत कैली, सब कोई अच्छा परफॉर्मेंस कैले बा। आप देखिए कहाँ होता, सभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और जहाँ तक कोशिश हम लोग ने भी की है कि बाकी सब निर्णायक मंडल के ऊपर। पहले तो हम आपके परमाणु बम फोड़ देता नहीं, जो ना कि हम परमाणु बम बने ले बनी बहुत देर से कि परमाणु बम बाटे हमारे पास, फोड़े वाला बनी। वो ये बाटे कि आज जे टॉप थ्री चुना जाई उस सीधे फाइनल में पहुंच जाई, कहे कि तीन जोड़ी के लेके पहली बार फाइनल होके जा रहा है। तो हम अपने संघ का समाधान करे खातिर खुद जा रहा बानी आदरणीय न्याय मंडल के पास, ओह कागज के दर्शन करे जोना पर सब कुछ अंकित हो गिल बा। सीमा और जोनू के पिछला एपिसोड में मिल रहे सबसे ज्यादा, मतलब 48 नंबर, और जवन नहीं बतावल गए रहे जोन एपिसोड में इलो के मिलल बटे 60 में 51 नंबर, टोटल 99। LIC सुरक्षा चक्र में आप लोग फाइनल में है। जोनू, आप फाइनल में है, पता है ना? इस समय किसको याद कर रहे हो, किसको थैंक यू करोगे? सबसे पहले तो मैं, मेरी नानी आज ऊपर हैं, सबसे पहले मैंने उनको बहुत बड़ा तोहफा दिया है आज, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने जजेस का दिल जीता है, तभी आज मैं टॉप थ्री में हूँ, मुझे खुशी है इस बात की। मुबारक हो के जाकर तुम लोग अपनी जगह पे बैठ जा। और जे दूसरी जोड़ी सुरक्षित बाटे सुरक्षा चक्र में, वो हमारे ब्यूटी क्यू। और आपके पहला बेर में तो यादें हुई आप लोग के मिला रहे 36 नंबर,
लेकिन दूसरे में आप लोग के बहुत अच्छा नंबर मिलल और उतने मिलल जितना सीमा और जोनू के मिलल 51 51। हमरे अदारा के संगे निसार और स्मृति के संगे प्रदीप, लेकिन दोनों के टीम में से एक ही टीम रही। स्मृति अब का लगा था, दो लोग तो चल गए, अब सिर्फ दो टीम बचल, तोरा का लगा था? सबके सब अच्छे हैं और अब डर भी लग रहा है और अभी भी हमार अंदर ई ना चलत बा कि हम आउट हो जाए कि यहाँ रह जाए। अगर रह जाए तो सबके जख्म से नासूर बन जाए और अगर ना रह तो सबके बेस्ट ऑफ लक। जे फाइनल में पहुंच चुकल बटे ए दोनों जोड़ी में से ओकर नाव बटे अनारा गुप्ता, पहुंच गए फाइनल में। स्मृति और प्रदीप के इतना लंबा सफर आज रुक गए। अनारा और निसार के पहले एपिसोड में मिलल 36 नंबर और स्मृति और प्रदीप के मिलल 39 नंबर। दूसरे एपिसोड में अंतर भइल और अनारा और निसार के मिलल 51 नंबर और स्मृति और प्रदीप के मिलल मात्र 45 नंबर। चीज बताऊंगा आपको कि हम लोग के लिए बहुत कठिन था ये करना, क्योंकि ऑलमोस्ट अनारा और निसार आज जहाँ स्मृति और प्रदीप वहाँ होते, लेकिन एक जो चारों की परफॉर्मेंस हुई लास्ट, उसमें निसार ने बहुत अच्छा किया और उसने अच्छे मार्क्स वहाँ मिलाए तब जाके यहाँ पोजीशन पे। अनारा आपको बहुत ही अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, फाइनल में आप आ गया ये बात याद रखना। और प्रदीप तुम बहुत ही अच्छे डांसर हो, अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे, तुम्हारे अंदर वो सब गुण है जो एक कोरियोग्राफर में होने चाहिए, जो एक डांसर में होने चाहिए, एक क्वालिटी। सोचो कि तुम्हारे लिए स्टार्ट है, ऑल द बेस्ट। एकदम सर, जरूर मिलेंगे सर, और मेरे दरवाजे खुले एनी टाइम, कभी भी आना। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ तक आई हूँ टॉप फोर तक इस कंपटीशन में, बहुत बहुत कुछ सीखा है डांस। पहले सिर्फ एक हॉबी थी, लेकिन अब मैंने कुछ टेक्निक्स भी सीखे हैं यहाँ आकर डांस के, और आगे अगर कभी दूसरा मौका कहीं और मिले तो वहाँ अच्छी टक्कर दे पाऊँ। अगर अगला कभी हम रियलिटी शो करें या कहीं पे जोड़ीदार का परफॉर्मेंस करें तो हम चाहें कि स्मृति मैम ही हमारे साथ रही, क्या कि बहुत मेहनत करे ली और हमारा बहुत अच्छा लगा कि मेहनत इतना करे ली। ऑल द बेस्ट, एकरा के चैलेंज ल जा, एक बड़ा भविष्य आप लोग इंतजार कर रहा बटे और हमनी का सफर शुरू होई ग्रैंड फिनाले के। ओकरा में देखल जी तीन जोड़ी अब कैसे अपन अपन जलवा दिखाई, एगो कंपटीशन शुरू होई। तब तक खातिर रउआ सब अगर स्मृति और प्रदीप के कैला से दुखी हो की जा तो थोड़ा सा अपने के शांत करी जा, हमने के अगला एपिसोड में फिर हुई मुलाकात। तब तक खातिन गुड बाय, सलाम, शुभ रात्रि, गोर लागतनी, प्रणाम कर।